Hey guys, good morning and welcome back to my channel. अभी मैं अपनी शक्ल इसलिए दिखा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ. और guys, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये है कोलगेट, क्योंकि मेरे ना दाने हो गए ऐसे पिंपल. तो मैंने सोचा कि मैं इस पे लगाऊंगी कोलगेट, जिससे ये दाने जो है वो दब जाएंगे. और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे हिचकी आ रही है. डोंट नो मुझे कौन मिस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे मिस कर रहा है. दुनिया की कौन ऐसी लड़की होगी जो सुबह के 3 बजे ब्रेड और जैम खा रही है. इसको इतनी बार मना किया, ये सब आदत छोड़ दो सिंधु. 2 घंटे में 5 बजने वाले हैं, ठीक है. और तुम ये होना चाहिए कि नहा धो के सुबह इंसान पूजा पाठ करे, और तुम सोई तक नहीं हो. हम लोग सो गए थे गाइस, मेरे तो नींद बस नींद आ ही रही थी. किसने मुझे बोला कि दीदी दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैंने कहा कि यार कुछ भूखे खा झूठी गाइस. और गाइस ये देखो, ये बैठी हुई है, ये भी सो गई थी. इसको भी इसने उठा दिया और खुशी को भी इसने उठा दिया. ये सिंधु ये सब आदत छोड़ दो, क्योंकि देखो रात को ना खिड़की देख के आइए पहले. गाइस देखो कब से कह रही खिड़की के रास्ते देखिए, भूत दिख रहा है, भूत दिख रहा है. पता नहीं इसको क्या, दो दिन से वैसे डरावना सा दिख रहा है. किस वाले घर पे तुमको दिख रहा है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्दा अपना हटा के सोया होगा. गाइस दूसरे का घर देख, वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसको भूत नजर आ रहा है वहाँ पे. बहुत गलत है. और अगर तुम्हारी मम्मी ये वीडियो देख रही है तो आंटी, ये सुबह के 3 या 4 बजे सोने जाती है, दोपहर के 1 बजे उठती है. जब आप कॉल करती है तो कहती है मम्मी मैंने नहा धो के पूजा कर ली, और गाइस कुछ करती नहीं. देखो अब सुबह के 3 बज गए और ब्रेड जाम खा रही है. 2 बजे उठी है आंटी, आज 2 बजे उठी है ये सिंधु, ये गलत है. आज क्या थोड़ी जल्दी आ गई थी और मैं जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई. आज का जो शिफ्ट था वो था 11 से लेकर 8 बजे तक. वैसे मेरी जो शिफ्ट नॉर्मली होती है वो 1 बजे तक होती है, 1 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है. फाइनली हम लोग ऑफिस पहुंच गए. मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है तो मैं अभी चार्ज में लगा रखा है. 2 मिनट लगेंगे इसको खुलने में, तब तक मैंने सोचा कि कुछ क्लिक कैप्चर कर लेती हूँ फिर. और मैं सिर्फ 2 लोग आए हैं, क्योंकि 11 to 8 वाली शिफ्ट मैं और मैं नहीं फॉलो कर रहे हैं. वैसे हम लोग की नॉर्मली शिफ्ट होती है 1 to 10, मतलब दोपहर के 1 बजे रात को 10 बजे. यहाँ से हम लोग घर 11 बजे तक पहुँच जाते हैं, है ना. मैंने आपको कितना टाइम लगता है घर पहुँचने में नॉर्मल अपने रूटीन पर? 1 घंटे. मेरे को भी 1 घंटे ही लगते हैं. 45 मिनट मैक्स टू मैक्स लगते हैं अगर नॉर्मल अच्छे से पहुँच जाएँ तो. 28 मिनट्स लगते हैं बाकी इधर उधर करके 45. तो गाइज अब मैं क्या करूँ बिना बताइए, आप सोते हैं गाइज बिना ऑफिस होने आते हैं. और गाइज मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि वो विनय को दे देते हैं, है ना विनय. अब मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी आज, आपको कल बोला था ना मैंने आपके लिए कुछ लेकर आना, मैं भूल गई. तो मैं लेकर आई हूँ, तो मांग रहे हैं कितना लोग दीजिए. ये है गाइस, ये क्या है? ये एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है आपके बच्चे के लिए. आप इसलिए मैंने मुझे बुलाए थे अपने बेटे के बर्थडे में, पर मैं जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको लाकर ऑफिस में गिफ्ट दे दूंगी, क्योंकि मैं जा तो पाई नहीं थी. अरे अभी क्यों खोल रहे हो आप अपने बच्चे से खुलवाएगा वेरी बैड. अरे तो फिर देने की जरूरत, जमाई से देने की जरूरत क्या थी? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. बताना उसको कैसा लगा, ठीक है. ओके तब तक मेरा लैपटॉप भी नहीं खुला अभी तक. फ्रूट कब मिलेगा? चली गई क्या? कल मैं ले नहीं थी पता है. अभी मैं जा रही हूँ गाइस कॉफी लेने, बहुत नींद आ रही है मुझे. गाइस हम वेट कर रहे हैं फ्रूट का. फ्रूट की जो टाइमिंग है वो है 11:30, तो अभी 10 मिनट बाकी है इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं. जल्दी से 10 मिनट हो और हम फ्रूट लेके जा रहे हैं. कॉफ़ी ले लिया है मैंने और यहाँ पर देख रहे हैं टीवी. मेरा दांत सच में चूहे जैसा है क्या? नहीं है, पक्का पक्का बोल रहे ना. आज लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें मिली. और बिरयानी भी मिल रही थी, लेकिन मैंने वो नहीं ली क्योंकि श्राद्ध चल रहा है, तो उस टाइम हम लोग नहीं खाते. और आज फ्राइडे भी था इसलिए मैंने नहीं लिया. फिर हम लोग खेले गेम. गाइस हम लोग यहाँ कैरम खेल रहे हैं और मैं होने वाली हूँ विनर, क्योंकि देखो मेरे पास मैंने इतना अर्न करा है और इन लोगों के पास 0 है. गाइस हम जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, क्योंकि आज किसी का फेयरवेल है. और अभी स्नैक्स आए हैं, हम सारे पार्टी करने के लिए. गाइस मेरे पास ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, चक्कू कट करने के लिए, तो मैं इससे ही काटती हूँ. ये होना चाहिए ना, ये अमित के पास ही है ना.
ये सब माइंड होना चाहिए ना, कैसे हम इसको कट करेंगे। अभी हमारे टीम में कोई ज्यादा लोग आए नहीं है और अभी स्नैक्स टाइम है तो सब लोग बाहर गए हैं, बस आ रहे हैं। हमने ना केक ऑर्डर नहीं किया क्योंकि केक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कोई खाने वाला होता नहीं, इसलिए हमने सोचा कि छोटा सा हम लोग ये करेंगे। इसका नाम क्या है यार, ये बहुत ही अच्छा होता है, लापिनो पिज्जा, आई डोंट नो क्या था कुछ उसके साथ ही। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा केक क्या है, हाँ उसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ है, अल्कोहल मिला हुआ है। रात तो गई 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 और इसको गई गई नहीं, इतना भी नहीं होता, थोड़ा होता है, ज्यादा चढ़ेगा नहीं। लेकिन कुछ भी खाओ, मैंने को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट, मैंने स्टार्ट की हल्का हल्का ट्राई कर सकते हैं आप इस केक के। हम लोग मैच मिली होगी सब मैच। वैसे सच में मैंने सुना है अल्कोहल से भी बनता है ये केक वगैरह, वाइन से वाइन रम या कुछ वैसे। अल्कोहल के पनीर टिक्का बनते हैं सबसे मस्त, सही में चिकन बनती है। अरे बियर से चिकन बनती है, काटो यश, वेट किसका कर रहा है? देखो मैं काट रहा हूं, रानी का वेट करेंगे, रानी का, रानी मैं तू राजा वाला सीन, लोग तेरे काट देते हैं। क्या बोल रही है? हैप्पी हैप्पी न्यू बिगनिंग, हैप्पी न्यू बिगनिंग टू यश, मे गॉड ब्लेस यू, तो खाना, हैप्पी न्यू बिगनिंग टू यू। कितना अच्छा गाना गा रही है, कपड़ा खराब होगा, बजा रही है, खोली बड़ा मुंह, खोल मुंह बड़ा खुलता ही है। अब तुमको बताया ऐसे ले लो क्या, यार झूठा हो गया, बिना उससे खाएंगे आप? अरे कोई दिक्कत नहीं है, खा लीजिए मैम, उतना प्यार बढ़ता है, इतना नहीं, थोड़ा सा यार। शुगर है, शुगर का बीमारी आदमी है, इसमें शुगर नहीं है, अल्कोहल उसमें भीड़ है, बिना मजाक नहीं कर रही हूं। अच्छा ना, यदि मेरे को चढ़ेगी ना ये, फिर मैं दोनों उठा के, मैं तो नहीं जानती, आपकी वाइफ को कॉल कर दूंगी, इन्होंने खुद बोला था, मैं नहीं जानती, मुझे खाने का शौक है, खिला दो, वाइफ मना करती है ऑफिस में ही खा लूं कम से कम, जीवन से त्रस्त हो चुका हूँ। अब मुझे थोड़ी मुक्ति चाहिए। अब है हमारा पिज्जा, ये देख के मुझे खाने का मन कर गया, पता क्यों? थोड़ा सा पनीर पे वो चढ़ा रखा है ना मसाला, लीजिए शुरुआत करिए, खाओ ना, खाना लीजिए शुरू करिए। मैंने बियर के साथ बहुत खाया। सो गाइस, ऑफिस से तो मैं आ गई थी 8 नहीं 9 बजे तक, क्योंकि मेरी 8 बजे शिफ्ट ओवर हुई और मैं 9 बजे तक फाइनली घर पहुंच चुकी थी। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे ना यहाँ पिंपल हो रखा है, कल मैंने आपको दिखाया था, तो वो उसके लिए कुछ दीदी ने अप्लाई करा, आई डोंट नो कौन सी क्रीम है, कहती कि सुबह तक सही हो जाएगा, मैंने सोचा कि ठीक है अगर सही हो जाएगा तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ, लेट्स सी कि ठीक भी होता है। एनीवे देखो देखो यहाँ पे ना पिंपल हो रखा है, आई डोंट नो कि क्यों अचानक से निकल गया। ओके सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज जिसका भी फेयरवेल होता है ना, तो अगर हमारी टीम का है, हमारा दोस्त है, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत केक वगैरह कट कर दें, कुछ पार्टी वार्टी कर लें, तो एक होता है ना कि कंट्रीब्यूट करके, किसी एक पर ज़्यादा बजट भी नहीं आएगा और कंट्री करके अच्छा भी लगेगा, सबको अच्छा फील भी होगा, सब लोग खा भी लेंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे, तो इसलिए हम तीन लोगों ने कंट्री करके और छोटे मोटे पार्टी कर लिया, वैसे भी कोई अवेलेबल नहीं था। बस उसके बाद यश जो है वो चले गए, आई डोंट नो कहाँ गए, किस कंपनी में गए वो मुझे नहीं पता, बट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।